हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ टेल बोन पेन और कॉक्सीडिनिया के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि टेल बोन में दर्द क्यों होता है, दर्द होने के क्या कारण होते हैं, इस दर्द को किस तरह से डायग्नोज किया जाता है और इस दर्द के साथ आपको क्या क्या सेल्फ केयर मेजर्स लेने चाहिए। इसके अलावा इस कंडीशन को ठीक करने के लिए फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट का क्या रोल होता है, इसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। टेल बोन पेन स्पाइन के एकदम लास्ट पॉइंट, जहां स्पाइन ख़त्म होती है, उस एरिया के बिल्कुल सेंटर पॉइंट में होता है, राइट अबव योर बटक्स। ये टेल बोन देखने में भले ही छोटी होती है, लेकिन इसका हमारी बॉडी में इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जब हम चेयर या फिर नीचे ज़मीन पर बैठते हैं तो ये टेल बोन हमें बैठते टाइम स्टेबलाइज करने में हेल्प करती है। कॉमन लैंग्वेज में हम इसे टेल बोन बोलते हैं, लेकिन मेडिकल नेम इसका कॉकिक्स होता है, इसलिए मेडिकली इस कंडीशन को कॉक्सीडिनिया भी कहा जाता है। ये कंडीशन आपको तब हो सकती है जब इस एरिया में कभी चोट लग जाती है, या फिर टेल बोन के आसपास जो मसल्स और लिगामेंट होते हैं उनमें अगर स्ट्रेन या खिंचाव हो गया तो भी ये कंडीशन हो सकती है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस दर्द जो है वो कुछ ही हफ्तों में या महीनों में अपने आप ही ठीक हो जाता है, लेकिन कभी कभी ये दर्द काफ़ी टाइम तक भी खिंच सकता है, जिसके कारण आपकी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ भी अफेक्ट होने लगती हैं। अब इसके सिम्टम्स के बारे में जान लेते हैं। सिम्टम्स में मेनली दर्द रहता है और साथ में टेंडरनेस भी उस एरिया में रहती है। इसमें दर्द कभी कभी डल भी रहता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा शार्प भी होता है। जब आप बैठते हैं या फिर बहुत टाइम से बैठकर उठ रहे होते हैं तो उस टाइम आपको ज़्यादा दर्द महसूस हो सकता है। अब इसके कॉजेज़ के बारे में जान लेते हैं। अगर आप बैठे बैठे बेड या चेयर से गिर गए तो ऐसे में आपको कॉकिक्स रीजन पर चोट लग सकती है। अगर आप ऑकवर्ड पोजिशन में काफ़ी समय से बैठे हैं तो भी ये दर्द आपको हो सकता है। ये दर्द कुछ लेडीज़ में प्रेगनेंसी के टाइम भी हो सकता है और कुछ लेडीज़ को चाइल्ड बर्थ के बाद भी शुरू हो सकता है। इसके अलावा ये दर्द डीजनरेशन की वजह से भी शुरू हो सकता है। लिविटर सिंड्रोम भी एक कंडीशन है जिसमें एनस के आसपास की मसल्स में स्पाज़म हो जाता है और इसमें दर्द टेल बोन, हिप्स और आसपास के एरियाज़ में फैलने लगता है। अगर कब्ज की वजह से आसपास की मसल्स में खिंचाव है तो भी ये दर्द आपको शुरू हो सकता है। इसके अलावा ये दर्द इन्फेक्शन, ट्यूमर या हड्डी बढ़ने की वजह से भी हो सकता है, पर ऐसा बहुत रेयर होता है। टेल बोन का दर्द ज़्यादातर कुछ ही हफ्तों में अपने आप भी ठीक हो जाता है। इसके लिए आप घर पर ही कुछ सेल्फ केयर ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जैसे आप स्पेशली डिज़ाइंड कॉकिस कुशन का इस्तेमाल बैठने के लिए कर सकते हैं। इसे यूज़ करने से टेल बोन पर बैठते टाइम जो प्रेशर पड़ रहा होता है वो कम हो जाता है। ये क्वेश्चन आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं और शॉप से भी खरीद सकते हैं। सेल्फ केयर मेजर में दूसरा है कि आप ज़्यादा देर तक बैठने से बचें। बीच बीच में खड़े होकर वॉक करें और जब भी आप चेयर पर बैठें तो थोड़ा सा आगे की तरफ झुककर बैठें ताकि टेल बोन पर प्रेशर कम पड़े। इसके अलावा आप टेल बोन पेन में लूज़ फिटिंग के कपड़े पहनें। अगर आप टाइट जीन्स या ट्राउज़र पहनेंगे तो इससे टेल बोन पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। इसके अलावा आप दर्द कम करने के लिए सेट्स बाद भी ले सकते हैं। इसके लिए आप बाथरूम में एक चौड़ा सा टब लें, उसमें गुनगुने से थोड़ा गर्म पानी भर लें। अब इस पानी में आपको 15 से 20 मिनट के लिए बैठना है। ऐसा इसलिए करना है ताकि गर्म पानी की नमी इंजर्ड पार्ट तक पहुंच सके। ऐसा आप दिन में 3 से 4 बार ज़रूर करें। कुछ हफ्तों तक ये सेल्फ केयर ट्रीटमेंट लेने के बाद भी अगर आपका दर्द कम नहीं हो रहा है, दर्द दिन ब दिन बढ़ रहा है और अगर दर्द के कारण आपको फीवर भी हो रहा है तो ऐसे में आप डॉक्टर के पास जाकर एडवाइस ज़रूर लें। आपके सिम्टम्स और मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से आपके सोर्स ऑफ पेन को एवेल्युएट करने के लिए इस कंडीशन में कुछ टेस्ट भी करवाए जाते हैं, जैसे पेल्विक एग्जामिनेशन, रेक्टल एग्जामिनेशन, एक्सरे, MRI और ब्लड टेस्ट। अब जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। टेल बोन पेन का ट्रीटमेंट यूजुअली इसके सिम्टम्स को ठीक करने पर फोकस करता है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल थेरेपी की। इसमें अल्ट्रासोनिक थेरेपी और लेज़र मशीन के द्वारा पेन को कम किया जाता है। इसी के साथ कुछ सेट ऑफ एक्सरसाइजेस पेशेंट को करवाई जाती हैं जिनसे कॉकिक्स के आसपास की मसल्स को स्ट्रेंथन किया जाता है।
दर्द कम करने के लिए कॉकिक्स को मोबिलाइज भी किया जाता है, जिससे इंस्टेंट रिलीफ पेशेंट को मिलता है। फिजिकल थेरेपी के अलावा बाकी और जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो है प्रिस्क्राइब्ड पेन मेडिकेशंस, इंजेक्टेबल मेडिकेशंस लाइक स्टेरॉइड और सर्जरी। अभी इस वीडियो में इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप जानेंगे 4 इजी होम एक्सरसाइजेस टू गेट रिलीफ फ्रॉम टेल बोन पेन।